रांची में बढ़ रहा है और लगभग ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर इन सब को मिलाकर लगभग 9000 से अधिक 9098 लगभग 10000 के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं और हर दिन कुछ ना कुछ वेट कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ाने पे लगे हैं। आज इस संक्रमण में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की। लेकिन साथ साथ में मुझे इसकी भी जानकारी मिल रही है कि सारा लोड कुछ मुख्य जिलों पर ही ज़्यादा प्रेशर है, जैसे रांची में तो सबसे अधिक है ही, जमशेदपुर है, धनबाद है। वहीं अगर हम देखें ऑक्सीजन युक्त बेड अभी भी खाली है, कहीं 100 है, 100 बेड उपलब्ध है तो मात्र 10 लोग 20 लोग वहां पर एडमिटेड हैं। पाकुड़ में अगर आप देखें तो 120 से भी अधिक वहाँ बेड है, वहाँ मात्र 4 लोग ही एडमिटेड हैं। ऐसे लगभग सभी जिलों में बेड की जो ऑक्सीजन युक्त बेड अभी भी खाली हैं और ये लोग सीधे रांची की और धनबाद की और जमशेदपुर की और रुक कर रहे हैं। और हमने अभी प्रयास किया है कि इन सब जिलों का एक सर्किट बनाया जाए और जो तत्काल संक्रमित प्रभावित लोग हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का, क्योंकि ऑक्सीजन की अब लगभग कमी नहीं है और अगर संख्या की कमी है तो बेडों की कमी है, बेड की उपलब्धता भी की जा रही है। अभी चूंकि जो स्थिति है पूरे देश में, कई चीज़ें हमारे पास टुकड़ों में आ रही हैं, कहीं सिलेंडर आ रहा है तो उसका ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो आवश्यकता है उन सब की उपलब्धता भी हम लोग करने में जुटे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जो गति हम लोगों ने अभी इस संक्रमण में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया है, बहुत जल्द एक नॉर्मल सिचुएशन पर लोगों को लाएंगे। सिलेंडर्स भी मंगवा रहे हैं सर आप? सिलेंडर्स आए हैं लेकिन उसके कुछ पार्ट्स नहीं आ पाए हैं, कुछ पार्ट्स आए तो गलत पार्ट्स उपलब्ध हुआ जो उसमें भी दिक्कत हुई। अभी चूंकि देश में सभी चीज़ों की बड़ी अफरा तफरी मची हुई है लेकिन इन क्राइसिस सिचुएशन में भी हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से स्थापित करने पे लगे हैं। इसके लिए सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सभी ऑफिसर्स लगे हैं, लेकिन संक्रमण काफ़ी पीक पर है। इसके लिए ये तो एक उपचार है, एक आउटर सपोर्ट है, लेकिन इससे इसका मुख्य अभी इलाज अगर हम देखें तो एक है वो कारगर इलाज है आइसोलेशन, मुंह में मास्क, लोगों से दूरी बनाए रखना। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से राज्यवासियों को अपील करते हैं कि आप इस संक्रमण को साधारण ना लें, अन्यथा ये संक्रमित काफ़ी
एग्रेसिव ये में है और जान तक लेने की स्थिति रखता है, इसलिए जो सरकार के द्वारा अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है इसका पूरा पूरा आप अनुपालन करें। मुफ्त टीकाकरण की भी आपने सर घोषणा की है इस राज्य में। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो टीकाकरण की बातें आई हैं, टीकाकरण भी अब चूँकि राज्य सरकार के जिम्मे सौंप दी गई है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों का जो टीकाकरण होगा वो मुफ्त लगाया जाएगा।